हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सप्लीमेंट्री बुक क्लास सिक्स की चैप्टर नंबर 8, अ पैक्ट विद द सन। इसके अंदर पैक्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पैक्ट का मतलब होता है डील करना, कम्पीट करना किसी चीज से। तो ये बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है जो मैं आज आपको समझाऊंगी, लाइन बाय लाइन समझाऊंगी, और उसके बाद मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी आपको बताऊंगी। ओके, आई होप आपको इससे बहुत सपोर्ट मिलेगी। मुझे कमेंट में बच्चों ने सजेस्ट किया है कि मैम आप मुझे चैप्टर सिक्स का ये वाला चैप्टर समझाओ, क्लास सिक्स का। तो इसलिए आज मैं आप सबके लिए ये वाला चैप्टर लेकर आई हूँ। सो दैट आप, अगर आपको मुझसे कोई और चैप्टर समझना हो तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के बनाऊंगी। ओके स्टूडेंट, सो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले क्या बोला हुआ है, साडिया मदर हैज नॉट रिसीव प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेन्स, शी इज डिनाइड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। सो जो साडिया कौन है, साडिया हमारी एक तरह से जैसे मूवी के अंदर एक हीरो होता है ना, उसी तरह के से हमारे इस चैप्टर के अंदर साइडिया हमारी मेन लीड है। तो उसकी मदर के बारे में बोला गया है कि उसकी जो मदर होती है वो क्या होती है, उनकी जो हेल्थ होती है वो, मतलब जो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो ठीक से नहीं चल रहा होता है। बहुत सारी कंप्लेन उनको फेस करनी पड़ रही होती है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन उनको फेस करने पड़ रहे होते हैं जब वो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर रही होती है। शी इज डिनाइंड हेल्दी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। डिनाइंड मतलब मना, उनको मना किया होता है। क्या मना किया होता है, कि आपको हेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए, आपको सनशाइन मतलब धूप की रोशनी नहीं चाहिए, आपको फ्रेश हवा की कोई जरूरत नहीं है। एट लास्ट शी कंसल्टेड अ गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन एंड साउंड एडवाइस। तो इसके अंदर फिर वो जब इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अच्छे फिजिशियन का मतलब क्या होता है, एक अच्छे डॉक्टर से कंसर्न किया जिन्होंने उन्हें क्या दी, एक इफेक्टिव मेडिसिन दी, एक बहुत अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करी और उनकी एडवाइस भी उन्होंने बहुत मानी है। अब साडिया'स मदर हैड बीन एलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट्स एंड वॉट नॉट। सो इस लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जो साडिया की मदर थी, एलिंग का मतलब कि वो पेन में थी, ठीक है, कि वो बहुत टाइम से पेन में थी, बहुत लंबे टाइम से पेन में थी, ठीक है। तो वो पेन क्या क्या था, उनको फीवर था, बुखार था, खांसी थी, बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता रहता था, उनके जो जॉइंट्स है, जॉइंट्स मतलब हमारे घुटनों के जॉइंट, हमारे हाथों के जॉइंट, उसमें बहुत उनके पेन रहता था और भी बहुत कुछ। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियंस फॉर वीक्स, शी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स इनटू हर ओल्ड सिक शेल्फ, वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर। सो इस लाइन का मतलब क्या है, जो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी ना स्टूडेंट, उनके ट्रीटमेंट कौन कर रहा था, एक फिजिशियन कर रहा था, एक डॉक्टर कर रहा था। तो डॉक्टर ने बहुत हफ्तों तक उनका ट्रीटमेंट किया, ओके। सो जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो थोड़े टाइम मतलब कुछ ही टाइम में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखी, मतलब कि इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि थोड़ा बहुत सुधार दिखा उनकी हालत में, बट कुछ ही टाइम में बहुत जल्दी वो रिलैप्स हो गई। रिलैप्स मतलब कि उनकी बीमारी फिर से उनके सामने आ गई, वो हताश हो गई, फिर से वो क्या मतलब फिर से वो बीमार हो गई, जो पहले वाली उनकी हालत थी वैसी हालत आ गई। और सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कभी पैरों में दर्द होने लग गया उनके, कभी हाथों में दर्द होने लग गया, कभी बुखार होने लग गया, जोड़ों में दर्द होने लग गया, ये सब। अगर एक बीमारी ठीक होती थी, लेग का पेन खत्म होता था तो स्टमक पेन शुरू हो गया, ऐसे करके एक के बाद एक उनको बीमारियां होती गई। दो वीक्स एंड कलरलेस शी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स टू रिमेन प्रिपरेचुअली कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंकी रूम विथ डोर्स एंड विंडोज फैसिनेटेड डिप्लिंट ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर। सो इसके अंदर क्या बोला हुआ, बहुत कमजोर थी वो, इतनी कमजोर थी, और ऊपर से उन्हें क्या बोला था, फॉरबिडन मतलब उनको मना किया गया था कि आप नॉर्मल फूड नहीं खा सकती है। उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर्स लगाए हुए थे, उनको क्या बोला हुआ था कि आप उस छोटे से रूम में रहेंगी, डिंकी मतलब जो बहुत ही डर्टी रूम था, बहुत स्मॉल
और बहुत डर्टी रूम था, एक स्मेली रूम में उनको रोका गया था जिसके दरवाजे और खिड़कियां भी फेस्टेटेड, फेस्टेटेड का मतलब क्लोज, कि उनकी ये सब चीजें भी बंद कर दिया गया था और उन्हें मना किया हुआ था कि आप धूप की रोशनी भी लेंगी और ना ही आपको फ्रेश एयर की जरूरत है, इन सब चीजों से मना किया हुआ था। आई डोंट नो ये स्टूडेंट्स, ये कौन से डॉक्टर्स थे जिन्होंने उन्हें ये प्रेस्क्राइब किया था कि आपको फ्रेश एयर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आप कभी भी बीमार होते हो तो वो आपको हमेशा यही एडवाइस देंगे कि आप एक अच्छे रूम में रहें, क्लीन रूम में रहें, साफ सुथरे रूम में रहें, एक हेल्दी एनवायरमेंट प्रेफर करें, फ्रेश एयर लें और थोड़ी बहुत सनशाइन मिले जिससे आपकी हेल्थ जल्दी ठीक हो जाए। बट सो इसके अंदर अब हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे। सो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन शी बिकेम क्रिटिकल हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स पर्सुएडेड हर टू कंसर्न स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई। सो इस सेंटेंस में बोला गया कि जब उनकी उनके मदर की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी तो उनको उनके रिलेटिव्स ने और उनके नेबर्स ने उनको क्या पर्सवे किया, क्या एडवाइस दी कि आप किसी एक अच्छे स्पेशलिस्ट को कंसर्न करें। ऑल दो माना कि उनकी फीस बहुत ज्यादा हाई होगी लेकिन उससे आप ठीक हो जाएंगे। लाइफ इज मोर प्रीशियस देन मनी, कि पैसों से ज्यादा जरूरी, पैसों से ज्यादा कीमती क्या होता है, लाइफ कीमती होता है। सादिया मदर वॉज पुअर बट शी हीडेड देयर एडवाइस एंड सोल्ड अ few trinkets to pay the doctor's fees and cost of the medicine। और क्या किया सादिया की मदर ने, भले वो बहुत ज्यादा गरीब थी लेकिन उन्होंने उसकी एडवाइस मानी एंड उन्होंने सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकलिन, ट्रिंकलिन मतलब अ पीस ऑफ गोल्ड, उन्होंने अपना क्या किया गोल्ड, थोड़ा सा जो उनके पास गोल्ड था उन्होंने अपना गोल्ड बेचा ताकि वो डॉक्टर्स की फीस और जो उनकी महंगी महंगी दवाइयां आने वाली थी वो उसको पे कर सके। द डॉक्टर केम इन अ फ्यू डेज एंड एग्जामिन्ड हर एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन। तो डॉक्टर कुछ दिनों बाद उन्होंने किसी डॉक्टर से कंसर्न किया और डॉक्टर आए तो डॉक्टर ने उन्हें एग्जामिन किया, एग्जामिन का मतलब देखना, कि डॉक्टर ने उन्हें देखा ओके एंड देखने के बाद उन्हें क्या प्रेस्क्राइब किया, प्रेस्क्राइब मतलब बताया, उनको क्या बताया इफेक्टिव, जो जरूरी उनके लिए दवाइयां थी, जरूरी थी लेकिन वो थोड़ी महंगी दवाइयां उनको बताई। टू द क्वेश्चन आस्क टू व्हाट शी शुड ईट ही से, तो क्योंकि उनको पहले जितने भी डॉक्टर्स थे उन्होंने उन्हें क्या बताया कि आपको हेल्दी फूड नहीं खाना है, आपको ये नहीं खाना है, आपको ये नहीं करना है, तो सादिया की मदर ने क्या किया, सादिया की मदर ने उनसे पूछा कि मुझे क्या खाना चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला, एनीथिंग यू विश टू ईट, जो आपका मन करे आप वो खाओ, आपका मन करे आप चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क, फ्रूट एक्सेट्रा, आपको जो हेल्दी फूड खाना है वो हेल्दी फूड खाओ। इन एडिशन टू ऑल दिस ही एडेड एम्पैथेटिकली, लीव दिस डार्क होल एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम विद डोर्स एंड विंडोज ओपन। उन्होंने उसे और एक और चीज ऐड करते हुए क्या चीज, उन्हें सिंपैथी देते हुए क्या चीज बोला कि सबसे पहले तो ना आप ये जो आपका ये जो डार्क होवेल का मतलब क्या होता है, ये जो डार्क इतना गंदा सा रूम है जो इतना डर्टी है, इस रूम को छोड़ दो और कहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, एक बड़े रूम में शिफ्ट हो जाओ जहाँ के दरवाजे और विंडो ओपन हो, खुले हुए हो। सिट इन द सन एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 8 to 9, और सुबह सुबह की धूप लो, क्योंकि मॉर्निंग की जो सनशाइन होते हैं, सूरज की रोशनी होती है, वो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्दी होती है स्टूडेंट्स। सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और सुबह सुबह की धूप लो और खुली हवा लो। ही कंक्लूडेड आर मोर इम्पॉर्टेंट देन मेडिसिन, और ये चीजें दवाइयों से ज्यादा असरदार होगी आपके लिए। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकम अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइसी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, और ये क्या था, ये जो डॉक्टर ने और उन्होंने डॉक्टर ने जो अपनी एडवाइस दी, जो अपनी सलाह दी है सब लोगों को, वो क्या हो गया था, वो एक तरह से ना चर्चा का विषय बन गया था स्टूडेंट लोगों ना, लोग सारे के सारे जो थे ना वो ऐसे डिस्कस करने लगे थे, ऐसा कैसे पॉसिबल है, कोई बीमार इंसान है उसको सूरज की रोशनी की क्या जरूरत है, एंड किसने कौन कैसा डॉक्टर है जो आपको ये एडवाइस कर सकता है, तो वहां पर ये सब होने लग गया था सादिया के घर के आसपास। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजेज इट, कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग डॉक्टर की सलाह मान रहे थे कि नहीं 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 डॉक्टर सही बोल रहे हैं, लेकिन जबकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उसको गलत बोल रहे थे कि नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल है डॉक्टर ही गलत बोल रहे हैं। एक्सपोजर टू सन एंड एयर फॉर सम वन एफिकलेटेड विथ
क्रोनिक कफ वॉज डेंजरस, कि सूरज की रोशनी और खुली हवा डेंजरस हो सकती है उस इंसान के लिए जिसको खांसी है और जिसको बीमारी है। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, और एक एक्सपीरियंस लेडी थी उसने क्या बोला, अ यंगर नेबर नियरली क्वेल्ड विथ हर ओवर दिस। तो एक ना वहां पर कोई यंगर नेबर थी, कोई यंग गर्ल होगी या फिर कोई यंग पर्सन होगा जिसने इस चीज पे बोला कि नहीं 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 डॉक्टर है वो सही बोल रहे हैं, टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट। और ये क्या बन गया, ये एक डिबेट का चर्चा बन गया वहां पर, लोग क्या करने लगे, स्टूडेंट्स बहस करने लगे कि नहीं 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 डॉक्टर सही बोल रहे हैं, डॉक्टर गलत बोल रहे हैं, डॉक्टर को नहीं पता कैसे क्या बताना चाहिए। तो ये सब वहां का एक तरह से चर्चा का विषय बने, डिबेट होने लग गई वहां पर। साधियाज मदर रिमेन क्वाइट बट डिटरमाइंड टू फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस। साधिया की जो मदर थी वो बिल्कुल शांत हो गई, वो सिर्फ चुपचाप ऐसे सुन रही थी कि वो क्या बोल रहे, लेकिन वो अब उसने क्या डिसाइड किया, डिटरमाइन किया, उसने मनी मन में एक तरह से ढाल लिया, उसने क्या बोला कि नहीं मैं तो डॉक्टर की एडवाइस ही फॉलो करूंगी, फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस शी सेड एट लास्ट। तो आखिरी में उसने क्या सेंटेंस बोला, भूल जाओ क्या कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, भूल जाओ क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं तो डॉक्टर की एडवाइस ही मानूंगी, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, कि मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी बात ही मानूंगी, मैं डॉक्टर की बात ही मानूंगी। और उसके बाद वो क्या ऑर्डर देती है, मूव माई बेड इन टू द नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सेट इन द सन ऑन माई चार पाई फॉर एन आवर डेली। तो डॉक्टर ने उन्हें 8 to 9 जो एक घंटे के लिए डेली क्या बोला था, कि आप सूरज की रोशनी में बैठेंगे, तो वो वही चीज फॉलो करती है, सबसे पहले वो जो अपना बेड था अपना रूम चेंज कर लेती है और दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाती है। और उसके बाद वो क्या बोलती है कि अब से डेली 1 घंटे के लिए मैं सूरज की रोशनी में बैठना शुरू करूंगी। ओके, द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स फॉर अ फ्यू डेज। तो अगले दिन जब से डॉक्टर ने उन्हें बोला तो वो अगले दिन से उनकी बात मानने लग जाती है, लेकिन अगले दिन ही क्या होता है, जो स्काई जो बादल होता है वो पूरे को पूरा कवर हो जाता है क्लाउड से, कुछ दिनों तक यही रहता है। तो साधियाज मेक अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वर्क। तो इसमें साधिया क्या बोलती है, साधिया रिक्वेस्ट करती है, किससे रिक्वेस्ट करती है, गॉड से, कि प्लीज थोड़ी सी धूप लेकर आ जाओ ताकि मेरी मम्मा जल्दी से ठीक हो जाए। द सन रेज कीप देयर वर्ड कम डाउन इन लार्ज नंबर एंड गिव न्यू लाइफ टू साध्याज मदर। और जो सन की रे होती है वो उसका मान रखती है और वो क्या होती है, अच्छी क्वांटिटी में मतलब सूरज की रोशनी आ जाती है और साध्या की मदर को एक नई लाइफ देती है। सो इट सो हैपेंड that the sky remained overcast next morning, the same was the case the following days। so अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि उसको जो कि जो उनके एडवाइजर होते हैं वो उन्हें क्या एडवाइस करते हैं कि आप डेली 1 घंटा धूप लो, लेकिन जो सिनेरियो क्या आता है फिर अचानक से अगले दिन क्या होता है, ओवरकास्ट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह सुबह जो कि एकदम साफ मौसम होता है, द सेम वॉज द केस द फॉलोइंग डे, आने वाले दिनों में भी वैसा ही मौसम हो जाता है, एकदम साफ मौसम होता है, कोई धूप की किरणें ही नहीं दिखती है। साध्या मदर वॉज डिटेक्टेड, मतलब उसकी मॉम ना थोड़ी निराश हो गई थी, शी मर्मर्ड ओ गॉड ऑफ माइन विल हैव यू ordered the sun to remain hidden, how will I ever be cured। तो साध्या जो की होती है, साध्या मदर जो उसकी मम्मा बहुत निराश हो जाती है, तो वो मनी मन क्या बोलती है कि भगवान जी आपने क्या ऑर्डर दे दिया है कि आप सन को आपने कुछ ऑर्डर दिया है कि वो छुपे रहे, आप नहीं चाहते हो कि मैं ठीक हूं। तो इसमें साध्या क्या बोलती है, साध्या वॉज प्लेइंग विथ अ डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लेमेंट बट केप्ट काम। उसने अपनी मम्मा की बात सुन ली होती है साध्या ने, बट वो फिर भी शांत रहती है। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी समन ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड शी रन टू हर मदर टू सी द सन वाज देयर। तो अगले दिन क्या होती है, जब वो हल्की सी कोर्टयार्ड के अंदर अपने बरामदे में थोड़ी सी रोशनी देखती है, वो जल्दी से अपनी मम्मा के पास जाके क्या बोलती है, मम्मा सन आ गया, सन आ गया। एवरीवन वाज लाइक नो नो सेड एवरीबॉडी प्रेजेंट, जो भी वहां पर सब मौजूद थे सबने क्या बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, इट्स टू लेट एंड चिली योर मदर कांट सेट आउट देयर।
Disheartedly, Sadia turned to her doll. There was no sun really except for its last remnant. Entangled in the top branches of the family mango tree. तो वहां पर क्या होता है, उनका एक फैमिली मैंगो ट्री होता है, एक मैंगो ट्री होता है उनकी फैमिली का, जिसकी ब्रांचेस की जो टॉप लेयर थी वहां पर उन्हें हल्का हल्का सा सूरज दिखाई दे रहा था। तो जो सादिया होती सब, क्योंकि सबने क्या बोला, बहुत लेट हो गया है, अब इस समय आपकी मदर बाहर जाके नहीं बैठ सकती है, तो इस वजह से जो सादिया होती है वो बहुत ज्यादा डिसहार्टेड, बहुत उदास हो जाती है, उसका दिल टूट जाता है और वो वापस अपने डॉल को लेके दोबारा से जाने लग जाती है। Now children have at their command a secret language for into grown-ups altogether, in which they frequently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the mighty. Using that special language, Sadia's addressed her remark to the last departing rays of the sun. So, ab सादिया ने एक स्पेशल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जो फॉरेन में जब बच्चे बड़े होते हैं आपस में, सो वो इस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या करते हैं, वो वहाँ के ट्री से, वहाँ के फ्लावर से, एनिमल से, सन से, मून से, और इवन कि इवन भगवान से सबसे बात करते हैं। सो यही स्पेशल लैंग्वेज का इस्तेमाल किसने किया, सादिया ने किया। जो लास्ट किरने थी सूरज की, जो लास्ट रे थी सन की, उसका इस्तेमाल किया और फिर उसने किससे बात करी, सन की रे से बात करी। Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help. So, ये क्या बोलती है सन की रे को कि डियर सिस्टर प्लीज कल तुम आना और बहुत सारी वार्मथ एंड ब्राइटनेस लेकर आना। तुमने देखा मेरी मम्मा कितनी बीमार है और उन्हें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। सो सामने से उसे क्या आवाज सुनाई देती है, Surely, answered the light, don't look unhappy. We will be there at the fixed hours. So, जो एक घंटा तुम्हें बोला गया है डॉक्टर ने, हम उसी समय पे तुम्हें कल मिलेंगे। Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays assembled themselves for their journey down to earth, the sun said, It's our day off again. We are staying up here. The road to earth is blocked by an army of thick murky clouds. The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. So इसके अंदर अब हमने क्या पढ़ा है, अगले दिन फिर से क्या होता है, अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग में वो सन की रेस क्या देख रही होती है, वो पूरी की पूरी एनर्जी से भरी होती है, अपने आप को पूरा अच्छे से तैयार कर लेती है कि आज तो हमें कहाँ जाना है, दोबारा से अर्थ पे जाना है। लेकिन तभी की तभी उसे सन की आवाज आती है, सन उन्हें रेस को क्या बोलते हैं, इट्स आर डे ऑफ अगेन, कि आज भी हम दोबारा अर्थ पे नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते, आज हमें फिर से यहीं पर रुकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो रास्ता जाता है अर्थ की तरफ वो ब्लॉक है, वो बंद है। किसने बंद किया हुआ है, बहुत ही मोटी मोटी लेयर्स ने और बहुत सारे क्लाउड्स ने कवर कर रखा है उन सबको। ओके, सो अब इसके अंदर जो लिटिल रेज होती है सन की, वो उसे क्या बोलती है कि So much wanted to go down, वो सबके सब नीचे जाना चाहती हैं, ऑफ अ लैक, लैक का मतलब क्या होता है, समथिंग डाउन फॉर फन, कि वो नीचे जाके फन करना चाहती है, बट दे रिमेन क्वाइट, बट वो फिर भी वहां पर क्या होती है, शांत हो जाती है। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड अ पैक्ट विद, पैक्ट मतलब उन्होंने बोला, एक ने बोला कि हमने एक एग्रीमेंट किया है, किसके साथ एग्रीमेंट किया है उन्होंने, याद है उन्होंने कल सादिया के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम आपकी मदर के लिए डेली एक घंटा आएंगे। अ पैक्ट विथ लिटिल सादिया सेड, कि हमने सादिया के साथ एक एग्रीमेंट किया, सर आई कांट स्टे बैक, आई हैव गिवन माई वर्ड टू सादिया, कि मैंने अपने वर्ड्स दिए हैं, किसको वर्ड्स दिए हैं, मैंने अपने वर्ड्स दिए हैं सादिया को, हुज मदर इज इल एंड नीड्स आवर हेल्प, उसकी मम्मा बीमार है और उनको क्या चाहिए, हमारी हेल्प की जरूरत है। आई विल pierce through the clouds to reach Sadia's courtyard. I'll go into, उन्होंने क्या बोला कि मैं बादलों को क्रॉस करके सादिया के कोर्टयार्ड में, सादिया के बरामदे में पहुंच जाऊंगा। Who else with her mother to cured? ये सुन के सब बाकी की जो भी रेज होती है, hearing this, all the rays nearly
सेटेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर द सन. तो जो उनके फादर होते हैं, जो उनके सन होते हैं, उनके सो फादर. अब यहाँ पर जो सन होते हैं, जो फादर होते हैं सन रेज के, वो उनसे क्या बोलते हैं, वो वहां पर जो प्रेजेंट होते हैं उनसे रिबेल करते हैं, उनसे थोड़ी बहस करती है. सो बहस में वो क्या बोलती है कि हमने सादिया को प्रॉमिस किया है हम आज नीचे जाएंगे, आज हम अर्थ से मिलने, अर्थ के साथ मिलने जाएंगे, हम सादिया के कोर्टयार्ड में जाएंगे. फैंसी फील अ डिजायर सेइंग बैक अगेन दे सेड इन अ सिंगल वॉइस. सबने एक ही धुन सुन, मतलब एक ही वॉइस में, एक ही आवाज में क्या बोला, बैक अगेन, कि आज हम जाएंगे. वट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस, दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्नड लायर्स. वो सब क्या बोलेंगे, जो अर्थ में जो लोग हैं वो हमें क्या बोलेंगे, कि हम क्या है, कि हम जो जो हम स्वर्ग के लोग हैं वो हम एक नंबर के झूठे. द सन रिटेंटेड, रिटेंटेड मतलब टू गेट सॉफ्ट इन इन फीलिंग्स, प्लीज आरसेल्फ ही सेड, माइंड योर क्लोथ्स थ्रू द क्लाउड्स आर मगी. सो क्या बोलते हैं, जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज्यादा घने हैं, चारों तरफ कवर्ड हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखो. नेवर माइंड आर क्लोथ्स, वी कैन always change, but go we must. And the rays rushed towards the earth. और वो जल्दी जल्दी क्या करती है, अर्थ की तरफ घूमने लग जाती है. The clouds stood guard between them and the Sadia's courtyard. तो वो जो clouds है वो किसका role play कर रहे हैं इसके अंदर, guard का. guard का काम क्या होता है कि वो अंदर नहीं जाने देते ना, उसी तरह से जो sun rays है, sun rays को कौन अंदर नहीं जाने दे रहा है, clouds आज अंदर नहीं जाने दे रहे. The little rays focused their heat and they had enough of it on a battalion of clouds which had to flee from its post. The rays got through, shouting past the bewildered crowds. They were already late. So, वो क्या बोलती है आपस में कि हम तो already late हैं. सो इसके अंदर द लिटिल, जो छोटी छोटी रेज होती है वो जितनी भी उनकी हीट होती है उन सबको फोकस करती है और जल्दी से सब जल्दी जल्दी इकट्ठा होके क्या बोलते हैं कि हमें आज किससे लड़ाई करनी है, आर्मी ऑफ क्लाउड से, क्या बोलते हैं, उनसे गुजरना है. विच हैड टू बी रन अवे फ्रॉम इट्स पोज, द रे गॉट थ्रू. और वो किससे किससे कन्फेस करती है कि कन्फ्यूज क्लाउड्स, और वो क्या करती है, जो भी जितने भी क्लाउड्स होते हैं उन सबको कन्फ्यूज कर देती है. किस चीज के लिए कंफ्यूज कर देती है ये इधर, अब बाद में हमें ये पिक्चर जो हमें दिखाई दे रही है इसको हम कंक्लूड करेंगे कि बाद में सनरेज आती है और किस तरह से सादिया की जो मदर होती है उनको सनरेज मिल पाती है. ओके, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं हम. अब ये हमारा जो मेन कंक्लूजन है, इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा. ओके, सादिया सॉ द होल होस्ट ऑफ देन अप्रोचिंग एंड हर हदर हार्ट लेप्ट विथ जॉय. सो सादिया क्या होता है, सब कुछ देख रही होती है कि किस तरह से वो आ रहे हैं, किस तरह से उसका हार्ट जो कि होता है एकदम जंप कर रहा होता है खुशी की वजह से. शी शाउटेड अम्मा अम्मा द सन इज हियर. वो उसकी मम्मा, अपनी अम्मा को क्या बोलती है कि जो सूरज है वो आ गया है, कम आउट. द ओल्ड लेडीज आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड. इसका मतलब क्या है, जो वो ओल्ड लेडी थी सादिया की जो मादर थी, उनकी जो आंखों में आंसू आने लग गए, उनकी आंखें पूरी की पूरी भर गई और आंसू बहने लग गए. हर चारपाई वॉज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड एंड शी सैट ऑन इट फॉर एन आवर. तो जो उनकी चारपाई थी वो कहाँ रख दी गई, वो कोर्टयार्ड में वरांदे में रख दी गई और वो वहां पर बैठ गई एक घंटे के लिए. रिकाइकलिंग अगेंस्ट बॉसल्स. अब रिकाइकलिंग का मतलब क्या होता है, लीनिंग. वो आराम कर रही थी, कहाँ पर आराम कर रही थी, पिलो के सहारे आराम कर रही थी, जैसे हमें इस पिक्चर में दिखाया हुआ है. इस पिक्चर के अंदर हमें क्या दिखाया हुआ है कि यहाँ पर वो आराम से आराम कर रही है इस पिक्चर के थ्रू. तो यही चीज यहाँ पे बोली गई. ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं. इट हैड बीन मंथ्स सिंस शी हैड
felt the sun on her hands and face and breath in fresh air. So, इस लाइन में क्या बोला हुआ है कि उनको बहुत महीने हो गए थे कि उन्होंने सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, ना उनके हाथों में आई थी, ना उनके फेस पे आई थी, उन्होंने फ्रेश एयर में बहुत टाइम से सांस ही नहीं ली थी. सो आज वो दिन आ गया था जब वो ये सब चीजें कर रही थी. शी थॉट शी वॉज इन अ न्यू वर्ल्ड. अब उन्हें क्या फील हो रहा था कि वो एक नई दुनिया में पहुंच गई है. थ्रू पेल हर फेस ग्लोड एंड हर आईज शोन ब्राइट. सो इस वजह से क्या हो गया था, जो उनका फेस था धूप मिलने की वजह से उनका फेस ग्लो करने लग गया था, उनकी आंखें चमकने लग गई थी. शी सॉ हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस हर. तो वो क्या देखती है कि जो उनकी बेटी होती है वो किस तरह सनलाइट में एकदम खुश है, चमक रही है, और वो अपनी बेटी को किस कर लेती है. द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेगनेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स. और सुबह सुबह क्या होता है, सुबह सुबह की जो आसपास में जो फ्लावर्स थे उनकी फ्रेगनेंस की वजह से जो उनकी मॉर्निंग थी वो और ज्यादा अच्छी हो गई थी. द बर्ड्स चार्टर्ड, चार्टर्ड मतलब गाना गा रहे थे, सांग अ न्यू ट्यून. सादियास मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी. और इसी वजह से जो सादिया थी उसकी जो मदर थी वो पहले से ही बहुत बेटर फील करने लग गई थी. शी इज फुली रिकवर्ड नाउ. और अब वो क्या कह रही थी कि आई एम रिकवर्ड नाउ, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ. बट शी स्टिल शोज द डॉक्टर्स एडवाइस. एंड उसने क्या बोला, उसने मानी डॉक्टर की बात. एन आर ऑफ सनलाइट एंड लंग्स फुल ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे. और उसके बाद भी वो डॉक्टर की एडवाइस, जो उनके डॉक्टर ने क्या एडवाइस दी थी कि डेली आप एक घंटा सूरज की रोशनी लोगे और फ्रेश एयर लोगे हर दिन, सो देट आप हेल्दी रहोगे. सो सादिया की मदर ने ये एडवाइस उनकी हमेशा मानी थी. ओके, सो अब ये जो चैप्टर है ये किसने लिखा है, जाकिर हुसैन ने, जिसको ट्रांसलेट किया गया है उर्दू लैंग्वेज में और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारी इस बुक में रिप्रेजेंट हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर चिल्ड्रंस में इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगी. होप ये क्वेश्चन आंसर्स आपको हेल्प करेंगे इस चैप्टर में. और अगर आपको मुझसे फर्दर कोई चैप्टर समझना हो किसी भी क्लास का, कोई भी आगे कोई भी सब्जेक्ट का, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी जल्दी से जल्दी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.